हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और भाई आज आपका भाई जा रहा है सोलन। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ सोलन के लिए। सोलन से पहले पड़ेगा धर्मपुर। धर्मपुर मेरे को काम है और धर्मपुर से ही मैं वापस आऊँगा। अभी भी रेलवे स्टेशन पर आई है। देखो जो कालका शिमला ट्रेन है वो आई है, उसकी वीडियो बनाते हैं। देखो कितने आराम आराम से चलती है धीरे धीरे। अभी यहाँ रुकेगी भी भाई, बाकी इसकी स्पीड भी कम ही रहती है चलने में भी। और अभी आप ट्रेन में डिब्बे देख सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे के आसपास हैं। टोटल 7 डिब्बे हैं, देखते हैं। आजा भाई मैगी।
अभी चलने वाली है अभी ट्रेन। सात टोटल बग्गी हैं ट्रेन के अंदर, जो सात डिब्बे हैं टोटल। तो ये था अभी धर्मपुर का जो रेलवे स्टेशन है। अभी चलते हैं यहाँ से वापस अपनी गाड़ी की तरफ। तो भाई कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने आज मैं धर्मपुर आया था कुछ काम से, मगर मैंने सोचा भाई यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो आपको दिखाता हूँ किस तरह की है, टॉय ट्रेन है। और भाई ऐसा कुदरत का करिश्मा हुआ कि साथ ही मेरे को ट्रेन भी यहाँ मिल गई। जैसे ही मैं यहाँ पे आया ना, साथ ही ट्रेन भी आ गई, वो भी आपको दिखाई। तो आपको अच्छा लगा तो भाई अच्छा सा कमेंट जरूर करना। भाई अभी चले हैं हम यहाँ से धर्मपुर से, और शाम के बज गए 6:18। भाई काफ़ी लेट हो चुके हैं, और अभी यहाँ पर डीजल डलवा लेते हैं गाड़ी में। डीजल कम है गाड़ी में भाई, और यहाँ पे ना 5 रुपये सस्ता है डीजल, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना डलवा लिया जाए। भाई डीजल डलवाया गाड़ी में हिमाचल से, जो है हरियाणा से 5 रुपये सस्ता। गाड़ी में डीजल थोड़ा कम था, मतलब कि आधी टंकी से थोड़ी कम थी गाड़ी की, तो 4490 रुपये का डीजल, यानी कि 3983 था। उनके पास 7 रुपये खुले नहीं थे, तो उन्होंने 10 रुपये मेरे को वापस किए हैं, तो 4990 रुपये का ही मान के चलो आप, 4000 हो गए। तो काफ़ी डीजल आया अभी गाड़ी के अंदर, और हरियाणा में है डीजल यहाँ से 5 रुपये महंगा, इसलिए मैंने यहाँ से टैंक फुल कराया गाड़ी का। अब ये लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास का गाड़ी के अंदर डीजल है। अगर आप लॉन्ग लंबे रूट पर जाओगे और लोकल चलेगी तो 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर के आसपास गाड़ी निकाल देगी एक टैंक में, क्योंकि जो एक्सयूवी की का जो फ्यूल टैंक है ना भाई, वो 70 लीटर का है। काफ़ी ज़्यादा डीजल इसके अंदर आता है भाई। एक बार जैसे शिमला वगैरह जाना हो ना, तो मैं अपने घर से शिमला घूम के वापस आ जाता हूँ, डीजल फिर भी गाड़ी के अंदर आधे टैंक के करीब होता है। तो अभी चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, चल रहे हैं भाई। तो काफ़ी लेट हो गए यहाँ, जो मुझे काम था ना भाई, काफ़ी लेट हो गया यहाँ, तो चलो चलते हैं। जो भी है व्यू देखो भाई, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का भाई। सड़कें जो है ना, ये शिमला तक ही लगभग बढ़िया बन गई है, जो शिमला रोड है सारा डबल बन गया, देखो 4 लेन। बीच में है एक दो जगह कि अभी भी काम चला हुआ है, पूरा नहीं हुआ, फिर भी अगर आप जाओगे ना वहाँ शिमला, तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी पिंजौर है जो मेरे रास्ते में भी, यहाँ से 21 किलोमीटर है पिंजौर, फिर पंचकूला, फिर जीरकपुर से होता हुआ आऊँगा भाई, तो मेरे को लग जाएंगे कम से कम घर पहुँचने में, आज बजेंगे 9:30 रात के, तो कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा लेट नहीं होएंगे, 9:30 बजे तक नॉर्मल है यार। व्यू देखो आपके, सड़कें देखो भाई, कितनी शानदार सड़कें बनी हुई हैं। तो भाई बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और अगर व्लॉग अच्छा नहीं लगा हो भी तब भी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई अच्छा सा कमेंट करना भाई, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये व्लॉग तो मेरा वैसे ऐसे ही, मेरे को कुछ काम जाना था तो इसलिए मैंने बना लिया रास्ते में। बाकी अभी मेरा जो अगला प्लान है, नेक्स्ट प्लान है, वो है स्पीति जाने का, और 18-19 तारीख को लगभग हम यहाँ से निकलेंगे स्पीति के लिए। लगभग 1 हफ्ते की ट्रिप होने वाली है, और आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया एडवेंचर वहाँ दिखाएंगे भाई, एक से एक आपको मज़ा आएगा पूरा वीडियो में, क्योंकि जो वहाँ के रास्ते हैं ना भाई, उन रास्तों में ही आपको मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया रास्ते हैं स्पीति के। शिमला तक तो लगभग यही रोड आएगा, शिमला से ऊपर नारकंडा होते हुए हम निकलेंगे स्पीति साइड, वहाँ पर आपको जो रास्ते मिलेंगे ना देखने को, आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी कि भाई हाँ वाकई कोई जगह है अच्छी। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में, वेट करा नेक्स्ट व्लॉग का, तब तक के लिए जय हिंद।